चंबा मनोहर हत्याकांड मामले में बीजेपी ने राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मामले को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा और मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। इधर मामले में बीजेपी के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है और जानबूझकर राजनीतिक रंग दे रही है। नेता हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी और उनकी पूरी जुंडली, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घटना जिला चंबा में डलौजी क्षेत्र में सलूनी में जो घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर अपना वक्तव्य दिया है, मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि इस विषय का बेवजह राजनीतिकरण करने का कोशिश करी जा रही है और इसको राजनीतिक रूप से तो जो है बुनाया जा ही रहा है, मगर उसके साथ साथ इसमें धार्मिक रंग देने की भी कोशिश करी जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंसिडेंट हुआ है, कल्प्रिट्स है इसमें, जो एलिजेड जिसने ये मर्डर किया है, दे ऑल आर इन पुलिस कस्टडी। उनकी जिसने ये अपराध किया, उनका पूरा परिवार जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट हो चुके। हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए हैं और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा, किसी सरकार में नहीं रहा। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवतुल्य यहाँ के लोग हैं, पूरी देश दुनिया में